हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RMS फार्मेसी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं अनवांटेड किट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे हम इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इसके कॉम्बिनेशन के बारे में। इन सब जानकारी के लिए मेरी वीडियो लास्ट तक बिना किसी स्किप किए हुए देखें दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं, आए हुए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस अनवांटेड किट के बारे में। ये हर किसी मेडिकल पर इसी नाम से ही, अनवांटेड किट के नाम से ही आपको मिल जाएगी। और ये एक एक किट में केवल 5 ही टेबलेटें होती हैं। और इसके अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो इसमें एक मेफेप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोन से मिलकर ये टेबलेटें बनी हुई होती हैं। तो चलिए आपको ये टेबलेटें स्क्रीन पर जैसे कि दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, इसमें केवल 5 टेबलेटें होती हैं, जिसमें से एक जो बड़ी होती है जो मेफेप्रिस्टोन होती है, जो छोटी छोटी होती हैं वो मिसोप्रिस्टोन होती हैं। तो आप बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, यानी कि ये अनवांटेड किट किस यूज़ के लिए होती है, यानी किसके लिए होती है और इसका यूज़ कौन करता है। यानी कि अब हम बात करते हैं तो जो महिला प्रेगनेंसी को कंसिडर करना चाहती हैं और जो महिला प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हैं और 2 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है तो ये वो महिलाएँ इसका यूज़ कर सकती। डॉक्टर लोग भी, यानी कि 2 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डॉक्टर भी इस किट का यूज़ करते हैं दोस्तों, यानी कि इस किट का यूज़ करने के लिए देते हैं पेशेंट को। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किट को कैसे यूज करना चाहिए, यानी कि इस किट का कौन सा सही तरीका यूज करने का होता है। तो दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं इसका, यानी कि लेने का तरीका, इसे यूज करने का तरीका कैसे। जो आपको बड़ी टेबलेट दिखा रहे हैं ये आपको सुबह यानी कि मॉर्निंग में नाश्ते के बाद लेनी है आपको। उसके बाद जो होता है आपको 2 टेबलेटें आपको 24 घंटे के बाद लेनी है दोस्तों। 24 घंटे के बाद अगली सुबह को नाश्ते के बाद ये दोनों टेबलेटें लेनी होती हैं। इससे दोस्तों ब्लीडिंग होगी और अगर ब्लीडिंग होने के अनुसार इसको फिर से इसी दोनों टेबलेटों को आपको उसी दिन 1 से 2 बजे के बीच में लेनी है। ये दोनों टेबलेटें लेनी है, यानी कि 2 बजे के बाद, यानी कि किसी टाइम भी ले सकते हैं। इससे पूरी प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। तो आपको हमने बता दिया इसका यूज करने का तरीका। अब इसके साथ साथ हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, इस टेबलेट लेने से यानी कि चक्कर भी आ सकते हैं, सिर में दर्द भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये किट जो होती है केवल 62 डेज़, यानी कि 62 डेज़ से अगर कम भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन 62 डेज़ के अगर ऊपर है आपकी प्रेगनेंसी तो आपका ये आप यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो है आपको ये रिज़ल्ट नहीं देगी। इसके यूज़ के बाद अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं दोस्तों, इससे ही आप जान सकते हैं कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो गई है या नहीं है, नहीं हुई है। आप इसका यानी कि टेस्ट के द्वारा भी जांच कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट कार्ड से भी आपको मालूम कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो गई है या नहीं हो गई है। इससे आपको यानी कि जो डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, यानी प्रेगनेंसी हमारी अवॉइड हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों, अनवांटेड किट से रिलेटेड हमने आपको सारी जानकारी, जहाँ तक हो सके हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।